तो चलो फ्रेंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो का टॉपिक है रणबीर कपूर की सारी मूवी लिस्ट। तो सबसे नंबर वन पे आ जाता है सावरिया, जो 9 नवंबर 2007 को रिलीज हुआ था। इस मूवी ने 39.22 करोड़ की कमाई की, तो इस मूवी को डिजास्टर करार दिया गया। उसके बाद मूवी आ जाता है बचना ये हसीनो, 15 अगस्त 2008 को मूवी रिलीज हुई थी, 61.57 करोड़ की कमाई की थी और इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। उसके बाद आ जाता है लक बाई चांस, जो 30 जनवरी 2009 को रिलीज हुआ था। इस मूवी ने 20.46 करोड़ की कमाई की थी और इस मूवी को फ्लॉप का टैग मिला था। उसके बाद मूवी आ जाता है वेक अप सीड, जो 2 अक्टूबर 2009 को रिलीज हुआ था, 47.1 करोड़ की कमाई की थी और इस मूवी को फ्लॉप का टैग मिला था। उसके बाद मूवी आ जाता है अजब प्रेम की गजब कहानी, जो 6 नवंबर 2009 को रिलीज हुआ था, 103.73 करोड़ की कमाई की थी और इस मूवी को सेमी हिट का टैग मिला था। उसके बाद आता है रॉकेट सिंह, जो 11 दिसंबर 2009 को रिलीज हुआ था, 33.65 करोड़ की कमाई की थी और इसे एवरेज का टैग मिला था। उसके बाद मूवी आ जाता है राजनीति, जो 4 जून 2010 को रिलीज हुआ था, 145.5 करोड़ की कमाई की थी और इस मूवी को ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। उसके बाद मूवी आ जाता अंजना अंजनी, 1 अक्टूबर 2010 को रिलीज हुआ था, 69.85 करोड़ की कमाई की थी और इस मूवी को एवरेज का टैग मिला था। उसके बाद मूवी आ जाता चिल्लर पार्टी, जो 8 जुलाई 2011 को रिलीज हुआ था, 6.55 करोड़ की कमाई की थी और इस मूवी को फ्लॉप का टैग मिला था। उसके बाद मूवी आ जाता है रॉकस्टार, जो 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुआ था। इस मूवी ने 110 करोड़ की कमाई की थी और इस मूवी को सेमी हिट का टैग मिला था। उसके बाद मूवी आ जाता है बर्फी, जो 14 सितंबर 2012 को रिलीज हुआ था, 175 करोड़ की कमाई की थी और इस मूवी को हिट का टैग मिला था। उसके बाद मूवी आ जाता है बम्बई टॉकीज, जो 3 मई 2013 को रिलीज हुआ था। इस मूवी ने 5.5 करोड़ की कमाई की थी और इस मूवी को फ्लॉप का टैग मिला था। उसके बाद मूवी आ जाता है ये जवानी है दीवानी, जो 31 मई 2013 को रिलीज हुआ था। इस मूवी ने 188.57 करोड़ की कमाई की थी और इस मूवी को ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। उसके बाद मूवी आ जाता है बेशरम, जो 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुआ था। इस मूवी ने 102.85 करोड़ की कमाई की थी और इस मूवी को फ्लॉप का टैग मिला था। उसके बाद मूवी आ जाता भूतनाथ रिटर्न्स, जो 11 अप्रैल 2014 में रिलीज हुआ था, 153 करोड़ की कमाई की थी और इस मूवी को फ्लॉप का टैग मिला था। उसके बाद मूवी आ जाता पीके, जो 19 दिसंबर 2014 में रिलीज हुआ था। इस मूवी ने 769 करोड़ की कमाई की थी और इस मूवी को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। उसके बाद मूवी आ जाता है रोई, जो 13 फरवरी 2015 को रिलीज हुआ था। इस मूवी ने 70.42 करोड़ की कमाई की थी और इस मूवी को बिलो एवरेज का टैग मिला था। उसके बाद मूवी आ जाता है बॉम्बे वेलवेट, जो 15 मई 2015 को रिलीज हुआ था। इस मूवी ने 43.13 करोड़ की कमाई की थी और इस मूवी को डिजास्टर का टैग मिला था। उसके बाद मूवी आ जाता तमाशा, जो 27 नवंबर 2015 को रिलीज हुआ था, 136.63 करोड़ की कमाई की थी और इस मूवी को फ्लॉप का टैग मिला था। उसके बाद मूवी आ जाता ए दिल है मुश्किल, 28 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुआ था। इस मूवी ने 239.67 करोड़ की कमाई की थी और इस मूवी को ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। उसके बाद मूवी आ जाता है जग्गा जासूस, जो 14 जुलाई 2017 को रिलीज हुआ था। इस मूवी ने 86.85 करोड़ की कमाई की थी और इस मूवी को फ्लॉप का टैग मिला था। उसके बाद मूवी आ जाता है लव पर स्क्वायर फीट, जो 20 अप्रैल 2018 को रिलीज हुआ था। इस मूवी का टोटल कलेक्शन नहीं मिला है। उसके बाद मूवी आ जाता है पॉकेट लिस्ट, जो 25 मई 2018 को रिलीज हुआ था, 12.1 करोड़ की कमाई की थी, इस मूवी को हिट का टैग मिला था। उसके बाद मूवी आ जाता है संजू, जो 29 जून 2018 को रिलीज हुआ था। इस मूवी ने 586.85 करोड़ की कमाई की थी, इस मूवी को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। उसके बाद मूवी आ जाता शमशेरा, जो 22 जुलाई 2022 में रिलीज हुआ था, 63.58 करोड़ की कमाई की थी, इस मूवी को डिजास्टर का टैग मिला था। उसके बाद आ जाता ब्रह्मास्त्र, जो 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुआ था, 418.8 करोड़ की कमाई की थी, जिसका रिकॉर्ड नहीं मिला है कुछ। उसके बाद तू झूठी मैं मक्कर मूवी 8 मार्च 2023 को रिलीज हुआ था। इस मूवी ने 220 करोड़ की कमाई की थी, इस मूवी को सुपर हिट का टैग मिला था। उनके लास्ट मूवी है एनिमल, जो 2023 में रिलीज होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर शेयर कीजिए, एंड मैनी मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड मैनी 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 थैंक्स। बाय गाइज़।